बताया ना, मैं बहुत अच्छा, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत अच्छा नंबर भी मेरे नहीं है, बहुत अच्छा सर का कोचिंग भी नहीं रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कोचिंग नहीं रहा है। शुक्र है, सबसे बढ़िया आदित्य चंद्र झा है और भी बहुत लोग हैं, सबसे घटिया स्तर के टीचर है वो। सोचिए कि आदमी अपने स्किल के बदौलत क्या कर सकता है। हो जाएगा, अपने आप में विश्वास में रखिए, हो जाएगा। और अभी जो बीपीएससी का अच्छा, इतना अच्छा ग्रेड चल रहा है, हम लोग चार साल लटके एक बैच, अब कभी एक बैच जाता है, एक बैच तुरंत अपना सामने तैयार रहता है। छह साल लग जाता था, 56 में चार साल लगा ही है, 14 का वैकेंसी था ना, तो ये दो चार नंबर तो बढ़ जाएगा। खैर ठीक है, ये तो गलत, मतलब ये ठीक है, आप पहला मिस्टेक ही था, दूसरा प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है बीपीएससी का उसको बनाई है, नहीं समझ आता है सर है, और कोई भी लोग मिलते हैं पूछिए कंसेप्ट समझ लो, कई बार क्या आजकल बीपीएससी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चार 10-20 क्वेश्चन, वहाँ पे आपको एज लेना है, क्योंकि पीटी में हो क्या गया, जब से वो शायद 10 गुना कर दिया ना अभी, तब से थोड़ा सा टफ हो गया पीटी निकलना, इसीलिए निकल गया। जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं समझ आता है, बुक का हेल्प लीजिए, जो ग्रुप में उनसे नहीं तो सब कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट से आगे सर। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक आपका, हाँ ये भी एक है, इसमें एक अच्छा चीज क्या है, घटना चक्र का ये अच्छा है कि ये टॉपिक वाइज करके डिवाइड करके देते हैं, इसमें क्या जैसे आप एक टॉपिक पढ़े या सर कुछ पढ़ाए आपको क्लास में टॉपिक, जैसे ही खत्म आप क्वेश्चन बनाइए, इसमें क्या है कई स्टेट का, इवन मुझे लगता है यूपी वगैरह जैसे अच्छा ठीक है बीपीएससी है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ाए आपसे, मान लिया कुछ क्वेश्चन दो चार नहीं बनेंगे तो उसको रखने का कोशिश मत कीजिए, लास्ट ऑप्शन है रखना, समझिए। अब मान लीजिए अगर हिस्ट्री है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ कंसेप्ट इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, उसको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सर से संपर्क करिए, सोशल मीडिया में जो टाइम वेस्ट करते हैं गूगल का यूज करिए समझने के लिए, कोई दोस्त है उसका यूज करिए, ठीक है, ये छोटा छोटा बात है, लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन यही काम यही करता है। एक दो क्वेश्चन भी इससे इससे ऐसे क्या होगा ना, ये जो छोटा छोटा एक रिविजन, दूसरा ये आप काम कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद जैसे कि कोई भी टेस्ट सीरीज है, मैं अभी पहले भी बोल रहा, जब आप टेस्ट देते हैं तो कोशिश कीजिए कि मैं टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, एक एलिमिनेशन टेक्निक होता है, वो यूपीएससी में ज्यादा काम करता है, यूपीएससी में नहीं करता सर, बताया हुआ है सर, आपका कितना था स्कोर सर, अभी तो चेक नहीं किया, मतलब नंबर दिया मैंने, नहीं सर नहीं चेक किया सर, थोड़ा ऐसा कोई बात नहीं, अगले बार अगर हो गया तो ठीक है, चेक करिए, डरना नहीं, ये नहीं मेरे से नहीं होगा, अभी तो आपका समय शुरू हुआ, तो ये दिमाग से निकाल दिया कि पीटी टफ है, मेंस टफ है, इंटरव्यू टफ है, कुछ नहीं टफ है और सब टफ है। सर एक बात और है, हाँ, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जैसे, हाँ, जो पहले भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछा, आज भी पूछ रहा वैसा ही, तो उसमें इशू नहीं होता है, लेकिन जो नया जैसे करंट अफेयर का जो है ना, करंट के लिए तो फिर वही है, जो लास्ट में जब आप एक महीना पहले मार्केट में जो आता है या सर प्रोवाइड कराते होंगे उसको पढ़िए, और दूसरा होता क्या है कि हम लोग पढ़ बहुत लेते हैं, 10 सोर्स से रिवाइज नहीं करते, सोर्स एक चुनिए, सर पे विश्वास है, सर पे किसी एक स्टैंडर्ड या मैक्सिमम दो, वो भी दो मैं नहीं कहूंगा, मैं यूपीएससी पीटी कई साल से लिख रहा हूँ, निकल रहा आराम से, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, एक सोर्स मैं पकड़ता हूँ उसी को रिवाइज कीजिए, मैं बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, उसको ऐसे ही बोल सकता, एक सोर्स पढ़िए उसको जितना बार रिवाइज, ठीक है 10 क्वेश्चन आएंगे करंट से, मुझे 2 नहीं आ रहा होगा क्योंकि उससे नहीं होगा, लेकिन 6-7 आ रहा है वो तो मेरा सही होगा, पता चला 10 के चक्कर में 4 भी नहीं निकलता, तो मटेरियल कम करिए, मंथली जो एक जो मैगजीन आया, मतलब पीडी नहीं आया, उससे मैं 4-5 पढ़ने का हर महीने का एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाता था करंट के टॉपिक वाइज, और वो लास्ट एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत फायदा देता था, वो पूरा किताब हमको उठा के नहीं पढ़ना पड़ता, वो तो प्रयास कीजिए कि एक मंथ का मैगजीन है तो 5-6 पढ़ने का एक शॉर्ट नोट्स आप उससे बनाएं टॉपिक वाइज का, वो आपको रिवीजन में बहुत फायदा देगा लास्ट टाइम, नहीं अगर मेहनत करते हैं तो हाईलाइटर वगैरह रखिए कम से कम, मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप कीजिए, मतलब ये करिए बेस्ट है, इन लोगों को तो हम डेट वाइज करंट करा देते हैं, जब सर मतलब एक डेट में दसियों मैगजीनों का एक जगह आत्मसात करना है, खाली लोगों को बस पढ़ना है, आपके बदले मेहनत कर रहा है, आपके बदले सर मेहनत कर रहा है, मैं इसीलिए पाला यही सब था कि जो पढ़ाते हैं उसको तो रिवाइज करिए कम से कम, नहीं तो समझिए कि आप गुनाह कर रहे हैं, डे टू डे जो करंट लिखा हुआ है इसका बढ़िया राइटिंग दिखाओ, बढ़िया
इसमें भी जो है ले लिया जो इसमें भी मैं देख रहा था कि ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहले आप विश्वास कीजिए मटेरियल, पता नहीं हो सकता है कई बार हमको विश्वास है जिस तरह का मटेरियल ही पढ़ेंगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो ये मान के चलिए कोई मटेरियल परफेक्ट नहीं है। अगर सर पढ़ा रहा है तो कम से कम आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी घर जाकर रिवाइज कीजिए। इसमें से क्वेश्चन है वो तो गलत नहीं हो, नहीं तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये मान के चलिए क्योंकि आप चीट किसी को नहीं कर रहे, अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका नहीं होता आपके साथ वाले का हो जाता है तो अल्टीमेटली सफर हम ही होते हैं। तो कम से कम जो पढ़ाई हो रहा है वीकली बेसिस पर, आइए नहीं है कि आज ठीक है 10 दिन रिवाइज किए पिछला छोड़ दिए, फिर 10 दिन पढ़े पिछला छोड़ दिए, या इस महीना का हो गया इस महीना पढ़े पिछला छोड़ दिए। एग्जाम है तो एक साल का मान लिया ड्यूरेशन होता है, उस एक साल का तो आपको रिवाइज हर बार। अरे क्या यहाँ बैठ के क्लास में बात करते हैं, रास्ता में कभी गया थोड़ा सा इधर उधर उसको देख लेंगे, पढ़ क्या है बैठ के बात करना है, बातें करिए ना। अच्छा क्या पढ़े थे कल, आपस में डिस्कस कर लीजिए। जो ग्रुप बता रहे थे ग्रुप में क्या थे, जो पढ़ाई हुआ उसी के बारे में डिस्कस कर लीजिए। कुछ उसमें भी दिक्कत हो रहा है, कुछ छूट रहा है, मान लिया कुछ नया मटेरियल आपको मिला कुछ ऐसा, उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे बता रहे थे नोट्स है, जैसे सर बताए कुछ ऐड कर, सर को भी बताइए कि सर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा सर को, सालों का एक्सपीरियंस है, सर बताएंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है नहीं है क्या है। तो ये चीज करते रहिए करेंट के लिए। करेंट में क्या है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, जो सर दे रहे हैं उससे भागिए मत। जो बस और सर आपके समझे कि मुंह का खाना यहाँ तक प्लेट में ला के रख दिए हैं, बस आपको रिवाइज करके अंदर लेना है। इससे आसान काम क्या होता है, कोचिंग का तो यही फायदा होता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर पीटी सर मान लीजिए निकल गए और किसी का अक्षर जैसे राइटिंग जो है अच्छा नहीं है तो क्या कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ साफ सुथरा नहीं रहता, मेरा ग्राफिकल लिखिए, खुद का अक्षर मेरा बहुत खराब होने का टू सेंस होता है, ठीक है ना। दूसरा कोई की जैसे राइटिंग अच्छा रहेगा तभी तुम्हारा एक अक्षर का कम से कम डिफरेंस, इस चीज को आप दिमाग से निकालो, हल्का हल्का होना चाहिए, ऊपर नीचे का भी एक गैप होना चाहिए। सर किस प्रकार लिखा जाएगा वही मेन देखिए, जैसे कि एक मैडम का कॉपी है, मतलब एक मुझे सामने मिला, इनका क्या है ठीक है हैंडराइटिंग नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, एवरेज हैंडराइटिंग है ठीक है, लेकिन क्या है दूर से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर दिख रहा हो ऐसे स्पेस दे देते, थोड़ा स्पेस दीजिए, कट खुट कम करिए, पैक कर देती तो फिर अगर ये एकदम सटा सटा के लिख देते तो लगता है यार क्या लिख रहा हुआ है, मतलब थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा कटिंग कुटिंग कम करिए, हो गया यही गुड हैंडराइटिंग और क्या है। और हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होता है अगर आप बार बार लिखेंगे, कहां है आपका हैंडराइटिंग अगर हाँ दिखाइए वो बेहतर होगा। हम लोग तो काट देते हैं, थोड़ा बड़ा फंड छोटा करिएगा ना, सब स्पीड सर जल्दी जल्दी निकालते हैं, बस यही दिखाइए ना एक क्लास का, अगर गलत है तो इंप्रूव होगा।